मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 12, इसको जेड वन बोल देते हैं। ये क्वेश्चन रहेगा। विश्वा जैसा तो नहीं है ना कि तुम अपने ऐसे बोल रहे हो किसी से कि पापा बादाम का जो आप लेके आओ बाकी सामान मैं लेके आता हूँ। पार्टी करते सर ने बोला है शाम। अनुष्का डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ओके आर वन प्लस आर टू 16 और आर वन माइनस आर टू।4 आर वन माइनस आर टू क्या 8 8 कंक्लूजन है फिर यहाँ पर? दोनों सर्कल का रिलेटिव पोजीशन क्या होना चाहिए? इंटरसेक्शन।
बेटा इंटरसेक्शन ही होगा, मतलब इंटरनल आई कर रहा हूँ ऐसा। C1 C2 is less than R1 minus R2, so final diagram exact बनाने का कोई requirement नहीं है, आप बस ऐसा बना दो काफी है। So distance minimum and distance maximum. This distance is minimum. Circle के अंदर minimum और maximum distance diameter के अलावा, this is minimum distance. This one. ठीक है, तो d minimum is equal to 12 minus 5 और minus 12, तो इसका radius हो गया ना, बड़े वाले circle का radius. C1 C2 कितना है? इसके अंदर 5 है और smaller radius कितना है? 4. So basically 12 में से आप C1 C2 remove करोगे और ये इसका radius भी remove करोगे, तो 12 minus 5 minus 4 यानी answer 3. हाँ, d maximum, ये है d maximum, this one, ये d maximum है ऐसा, इसका आंसर 12 प्लस 5 और प्लस 4 4 यानी 20 1 करेक्ट। क्लियर? अरे कोई डाउट है इसमें बोलो किसी को, आराम से यार, पेशेंस से करते जाओ, मतलब टफ लिटरली कुछ भी नहीं है इसमें, बस थोड़ा अपना माइंड एक्टिव रखो, काफी है इतना, है ना, इतना ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, फाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सेटिस्फाइंग मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 5 एंड मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 2 आयोटा, ये क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लेके ले जाके भी सॉल्व कर सकते हो इसको। ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल, सेंटर 0.0, रेडियस 5, ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसका इक्वेशन लिखो, जिसका इक्वेशन लिखो, दोनों को सॉल्व कर लो। करो सॉल्विंग स्टार्ट करो। कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, बिल्कुल करेक्ट है, और ये इक्वेशन बना दो, डेफिनेटली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिस पॉइंट 0, माइनस एंड दिस पॉइंट 0.2, करेक्ट 0.2, हाँ बिल्कुल। Perpendicular bisector. Yeshita, equation of perpendicular bisector will be sir, uska aur uske midpoint se pass kare. Haan, midpoint kitna aa raha hai bolo, 0, minus 1. Line parallel to x-axis, which coordinate constant?
y is equal to minus 1. तो basically इस लाइन का इक्वेशन है ये, ये सर्कल गिवन है, ये नॉन इक्वेशंस को सॉल्व कर लो. तो y is equal to minus 1, x is equal to plus minus root 24, यानी plus minus root 26. तो basically 2 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको, 2 root 6 comma minus 1 and minus 2 root 6 comma minus 1. So complex number के फॉर्म में भी लिख सकते हो, 2 root 6 minus iota and minus 2 root 6 minus iota. Clear? टफ बिल्कुल नहीं है यार, इसमें लिटरली कुछ भी टफ नहीं है, सिंपल है सर. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू गिवन है आपको 3, मॉडुलस ऑफ जेड टू माइनस जेड थ्री गिवन है 4, एंड मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड थ्री ये गिवन है 5. फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड एरिया फॉर्म्ड बाई Z1, Z2 and Z3. ये क्वेश्चन समझित करेक्ट है. इशिता क्या आंसर है? 7.5. 7.5 कैसे आ सकता है इसमें? क्या निकाल रहे हो? 7.5 कहाँ से आएगा इसमें? देखो clearly this is triangle, ठीक है, mod of z1 minus z2 यानी कि distance between z1 and z2, तो ये है 3, z2 minus z3 यानी कि distance between z2 and z3 ये है 4, and this one is 5, definitely ये है एक right angle triangle, ये angle 90 degree, half base into height. हाँ, तो बेस और हाइट 3 और 4 होते हैं ना. हाँ, तो ये 7.5 कैसे आ रहा है? सर वो मैंने गलती से 5 लिया था. 6 आता है. आंसर आएगा इसका 6. ठीक है, 5 तो हाइपोटेनस है ना, वो तो यूज ही थोड़ी होता है, बेस और हाइट यूज होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन दिस सॉल्व करो. मॉडुलस ऑफ जेड माइनस थ्री प्लस फोर आयोटा अपॉन टू जेड प्लस फोर माइनस सिक्स आयोटा. अच्छा एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, मॉडुलस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में सेपरेट, तो दिस को वी कैन राइट लाइक दिस, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस थ्री प्लस फोर आयोटा, यहाँ से टू कॉमन, और ये बन गया अभी जेड प्लस टू माइनस थ्री आयोटा. इस स्टेप में कोई डाउट? ट्राई यही करना चाहिए कि पहले कोफिशियंट ऑफ जेड वन बना लो. कोफिशियंट ऑफ जेड वन बनाने का मतलब ये कि जो भी कॉमन आ सकता है वो कॉमन, ठीक है. अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, सपोज करो यहाँ पे टू नहीं होता, देन जेड रिप्रेजेंट्स क्या? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. डेफिनेटली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर द लाइन जॉइनिंग थ्री कॉमा माइनस फोर एंड माइनस टू कॉमा प्लस थ्री प्लस थ्री. हाँ, लेकिन अभी यहाँ पे वन तो नहीं है, यहाँ पे है टू, ठीक है. तो लोकस फाइंड करना है, कोई डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है हमारे पास में, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल. z इज इक्वल टू कितना पुट करोगे? x प्लस आयोटा y. करो सॉल्व.
सो स्क्वायर रूट ऑफ लेफ्ट साइड कितना x minus 3 whole square real part separate iota wala part separate real part square plus imaginary part square plus इसमें कोई डाउट है किसी को नो सर इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x plus 2 whole square plus y minus 3 अभी स्क्वायर रूट वगैरह दोनों तरफ स्क्वायर करोगे ऐसा नहीं कि ये स्क्वायर रूट कैंसिल है ना ऐसा नहीं होता है बेसिकली आप स्क्वायर करते हो बोथ साइड ठीक है करो सॉल्व करो सिंपलीफाई करके फाइनली आंसर बताओ क्या आ रहा है So this is x minus 3 whole square plus y plus 4 whole square is equal to 2 square यानी कि 4 x plus 2 whole square plus y minus 3 whole square ठीक है अभी ट्रांसपोजिशन वगैरह 4x square minus x square 3x square 4y square minus y square 3y square coefficient of x आना चाहिए यहाँ पर 4 into 4 यानी कि 16 plus 6 so 22x कोफिशिएंट ऑफ y माइनस का 6 माइनस का 24 इधर प्लस 8 राइट साइड करोगे तो माइनस 8 यानी कि माइनस का 32y कांस्टेंट टर्म 4 प्लस 9 13 4 जा 52 और यहां पे है 9 और 16 यानी कि 25 तो 27 आना चाहिए यही आ रहा है ना यस यस सर यस सर अभी सिद्धि तुम बताओ दिस इज इक्वेशन ऑफ Sir, can you repeat? आवाज ब्रेक हो गई थी. This is equation of. यशस तुम बताओ दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर माइनस 11 अपॉन 3 एंड 16 अपॉन 3 करेक्ट तो 3 डिवाइड यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 22 अपॉन 3x माइनस 32y अपॉन 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 0 x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ x पर यहां पे है नहीं तो डेफिनेटली इक्वेशन ऑफ अ सर्कल with center coefficient of x का half sign change और coefficient of y का half sign change यानी कि minus 11 upon 3 comma minus 16 upon 3 radius 11 upon 3 whole square plus 121 upon 9 256 upon 9 minus का 9 minus 9 भी calculate नहीं करना है भी यहाँ पे skip कर सकते हो ठीक है exam में मत क्या करो लेकिन ऐसे skip है ना exam में यहाँ से tick करके आना होता है नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस मॉडुलस ऑफ जेड माइनस वन प्लस आयोटा अपॉन जेड प्लस टू माइनस थ्री आयोटा इज इक्वल टू वन अपॉन टू अच्छा एक पॉइंट और मॉड के अंदर ए माइनस बी और बी माइनस ए सेम ही होता है ध्यान रखना तो सपोज करो यहाँ पे माइनस जेड जैसा लिखा है तो भी आप उसमें से माइनस कॉमन लेके उसको करेक्ट कर सकते हो ठीक है जल्दी से निकाल के बताओ फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ रहा है एग्जाम काफी ज्यादा कॉमन है और काफी ज्यादा इजी भी है जस्ट जेड पुट करो एक्स प्लस आयोटा वाई
मॉडुलस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सेपरेट है ना। हाँ बोलो। आंसर x square plus y square minus 4 by 3x plus 16 by 3y minus 5। इसमें आदित्य ने 14 upon 3y बताया है। स्क्वायर बोथ साइड्स तो 4 टाइम्स x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है तो ट्रांसपोजिशन लेफ्ट साइड तो ये हो गया अभी 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 3x स्क्वायर और फिर 3y स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x कितना आना चाहिए? माइनस 8x माइनस का 4x यानी कि माइनस 12x। कोफिशियंट ऑफ वाई 8y और 14y कॉन्स्टेंट टर्म 8 और यहाँ पे है 4 प्लस 9 13 सो माइनस 5 इज इक्वल टू 0। डिवाइड करोगे विद 3 तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 14y अपॉन 3 माइनस का 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0 0। डन। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 2 कॉमा -7 अपॉन 3 रेडियस 4 प्लस 14 9 अपॉन 9 प्लस 5 अपॉन 3 करेक्ट है। तो देखो इसका कंक्लूजन ये है। अच्छा आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूं ना। कल एक स्टोरी देखी थी मैंने काफी अच्छी है। मतलब एक राजस्थानी मतलब राजस्थान में होते हैं ना कैमल्स तो ठीक है तो राजस्थानी बोलना पड़ेगा। तो राजस्थान में काफी बड़े बिजनेसमैन थे ठीक है। उनकी डेथ होने वाली थी तो उनकी जो प्रॉपर्टी वगैरह थी ना उनका डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था। तो काफी सारी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया फिर उनके पास लास्ट में 19 कैमल्स थे ठीक है। 19 सूट थे। तो जब लॉयर वगैरह उनकी प्रॉपर्टी का जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे तो उनको रीड कर रहे थे तो उसमें लिखा था कि जितने भी मेरे पास कैमल्स हैं ऊंट हैं उनमें से आप क्या करो 1.5 ऊंट ये तो मेरे बेटे को दे दो ठीक है। 1/4 ऊंट ये मेरी आप डॉटर को दे दो बेटे बेटी को दे दो ठीक है। और 1/5 ऊंट जिसने मेरी सबसे ज्यादा सेवा की है मेरा सर्वेंट उसको दे दो। डन। तो अभी क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि यार 19 ऊंट है 19 कैमल्स है तो इनमें 1/2 कैसे करोगे क्योंकि 1/2 तो 9.5 आता है ना। जैसे शीतक आंसर अभी 7.5 आ रहा था वैसे ठीक है। तो ये हो गया 9.5 तो 9.5 तो ऊंट आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते ना। या तो आप एक ऊंट को ऐसे किल कर दो तो वो कर नहीं सकते ठीक है। ऐसे ही 1/4 आप देखोगे तो 19 का 1/4 कितना होता है 4.75 तो भी 4.7 का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। 19 अपॉन 5 देखोगे तो ये कितना आता है 3.8 तो 3.8 तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते ना आप। तो बड़ा ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि यार ये इन्होंने कैसे पागल आदमी थे इन्होंने कैसे डॉक्यूमेंट्स बनवाए कि 1.5, 1/4, 1/5, 1/5 ऐसा। तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। फिर उनका जो बेटा था उसने बोला कि यार मैं मेरे पिताजी के जो मेरे डैड है उनके एक फ्रेंड है श्यामलाल जी उनको जानता हूँ तो वो काफी बुद्धिमान आदमी है वो काफी ज्यादा बादाम खाते हैं सुबह शाम ठीक है। तो उनको बुलाते हैं तो वो आए जयपुर से ठीक है। तो वो आए तो वो खुद एक कैमल पे आए तो उन्होंने कहा कि यार एक काम करो आप लोग लड़ो मत मेरा कैमल भी मेरा ऊंट भी आप ही लोग रख लो ठीक है। तो कितने ऊंट हो गए टोटल 20। अभी 20 का एक काम कर बेटे तू टेंशन मत ले 20 का 1.5 तू ले ले तो इसको कितने मिल गए अभी 10। 20 का 1/4 ले ले बेटी को इसको कितने मिल गए 5। और सर्वेंट को बोला कि तू भी टेंशन मत ले बिल्कुल 20 का 1/5 यानी कि 4 तू ले ले ठीक है। बचा एक ऊंट वो वापस ले गए। सही है
कैसे? तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़िया हो गया और उनका कुछ नुकसान भी नहीं हुआ. तो मतलब ये है यार, इससे दो मिलती है आपको शिक्षा, एक तो ये कि एक अच्छा दोस्त रखो हमेशा और एक बादाम खाओ. ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. तो ये क्वेश्चन हो गया है, इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं. कंक्लूजन फर्स्ट पॉइंट, लेट्स से ऐसा कुछ गिवन है, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड टू, वेयर जेड वन जेड टू फिक्स्ड और जेड मूविंग, देन जेड विल बी मूविंग ऑन. Perpendicular bisector. हाँ. ये मैं कम से कम 5 बार बता चुका हूँ. ठीक है तो कोई भी probability मत रखना अभी exam में wrong करने के इस question को. ठीक है तो Z will be moving on perpendicular bisector. ठीक है suppose करो second point है like this, modulus of Z minus Z1 is equal to K times modulus of Z minus Z2 where K is not equal to 1 and K positive. पॉजिटिव क्यों? क्योंकि दोनों साइड मॉडुलस है, मॉडुलस होते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस होती है पॉजिटिव. ठीक है k इज नॉट इक्वल टू 1, k पॉजिटिव, तो ये निकल के आता है क्या बोलो? सर्कल. ये इंपॉर्टेंट है, मतलब रेशियो है 1, रेशियो है 1, तो तुम इसको इस तरीके से बोल सकते हो z का z1 से डिस्टेंस और z2 से डिस्टेंस सेम, तो z विल बी मूविंग ऑन परपेंडिकुलर बाईसेक्टर, बट z का z1 से डिस्टेंस और z2 से डिस्टेंस इनका रेशियो फिक्स है k, then z will be moving on. सर्कल. सर्कल. इसको थोड़ा और फील करने का ट्राई करो. कोनिक सेक्शन में भी रेशियो ही फिक्स होते हैं, बट वहां पे डायरेक्ट्रिक्स यानी वन लाइन, फोकस यानी वन पॉइंट, उनसे डिस्टेंसेस का रेशियो फिक्स होता है पॉइंट और लाइन से. यहाँ पे दोनों पॉइंट ही हैं, उनसे डिस्टेंसेस का रेशियो फिक्स है, नॉट इक्वल टू 1. Then Z will be moving on. A circle. Circle. ठीक है तो ये नोट करके लिख लो. Ratio of its distances from two fixed point. Remains constant, not equal to 1, then P will move on a circle. Clear? Okay, अभी देखो कुछ लोग इसको इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, बाकी उसका रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन कंसेप्ट पता होना चाहिए. जैसे ये क्वेश्चन है और अभी दिख रहा है कि z का दिस पॉइंट 1, -1 से डिस्टेंस और दिस पॉइंट -2, -3 से डिस्टेंस, इनका जो रेशियो है वो है 1/2 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 1, डेफिनेटली z शुड बी मूविंग ऑन अ सर्कल. बाकी आप इसको इस तरीके से भी सोच सकते हो कि यार ये पॉइंट है कितना, 1, -1 एंड दिस पॉइंट -2, +3. ठीक है लेट्स से ये पॉइंट है a, ये पॉइंट है b, तो यहां पे इंफॉर्मेशन गिवन है PA upon PB is equal to 1/2. ठीक है. अभी करते क्या है ना, जैसे P is moving such that इसका A से distance और B से distance, इनका जो ratio है ना वो 1/2 है. ठीक, तो basically आप क्या करते क्या हो, इसको इसी ratio में एक बार करते हो internal division, second आप करते हो इसमें external division. इंटरनल डिवीजन का मीनिंग ये हो गया कि P डिवाइडिंग AB इन 1:2 इंटरनली, तो P इधर कहीं पे आ रहा होगा क्योंकि P का ऐसे डिस्टेंस कम है. ठीक है, ये इंटरनल डिवाइड हो गया, इसके कोऑर्डिनेट्स अभी हम लोग फाइंड कर ही लेंगे. ये है रेशियो 1:2. एक बार करोगे एक्सटर्नल डिवाइड तो P शुड बी लेफ्ट साइड ऑफ A या राइट साइड ऑफ B? लेफ्ट साइड ऑफ ए.
लेफ्ट साइड ऑफ ये डिस्टेंस कम है, लेट्स से ये डिस्टेंस, ये पॉइंट है पी डैश, तो ये आ गया पी, ये आ गया पी डैश। थर्ड पॉइंट में क्या करते हैं कि जो रिक्वायर्ड सर्कल है ना विल बी हैविंग पी पी डैश एस डायमीटर, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी देखते हैं, रेशियो 1:2, तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आने चाहिए बोलो। डिवीजन फॉर्मूला -2 + 2/3 यानी कि 0/3, वाई कोऑर्डिनेट 3 - 2 यानी कि 1/3, पी डैश रेशियो यही यूज करोगे बट एक रेशियो नेगेटिव, ठीक है। अभी क्या कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं बोलो, -4/-1, -5/-1, सब कुछ विद साइन यूज करते हैं, तो ये हो गया 4, -5 रिक्वायर्ड सर्कल है दिस x -4 × x - 0 + y + 5 × y - 1/3 = 0, ठीक है। सो x² + y² - 4x यहाँ पे हो गया है अभी 5y - 1/3y यानी 24y/3 और कांस्टेंट टर्म है -5/3 = 0, ठीक है। सेम आ रहा था, डिफरेंट आ रहा था? 15, 14। अच्छा ओके, ये आएगा 5, एक मिनट क्या इशू है इसमें, 5 - 1/3 ये आना चाहिए 14y/3, हाँ बिल्कुल ठीक है। और ये भी है 14y/3, सेम आंसर है, ठीक है। अगेन सेंटर 2, -7/3 एंड रेडियस √4 (49/9) + 5/3, डन, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना। कॉनिक सेक्शन में क्या होता है, एक लाइन सॉरी एक पॉइंट और एक लाइन से डिस्टेंसेस का रेशियो फिक्स होता है। यहाँ पे दोनों पॉइंट से डिस्टेंसेस का रेशियो फिक्स है, मतलब आप ऐसे एक सर्कल बनाते हो तो इस सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, उन सब पे पी ए अपॉन पी बी कितना आने वाला है, 1/2 एग्जैक्टली, ठीक है। ये कंसेप्ट थोड़ा सा माइंड में रखना, बाकी यार इसको यूज मैं तो प्रेफर नहीं करता हूँ, जस्ट ये कि यहाँ पे जेड इज इक्वल टू कितना पुट कर दो, x + i/y, इसको विदाउट एनी सिली मिस्टेक सिंप्लीफाई कर लो, क्वेश्चन सॉल्व, आपको ना ही कोई इंटरनल डिवीजन ना ही कोई एक्सटर्नल डिवीजन लगाने का रिक्वायरमेंट है, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। फिर भी कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है, ट्रू फॉल्स वगैरह में या फिर कैसे भी स्टेटमेंट वाइज आते हैं, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू करेक्ट एक्सप्लेनेशन नॉट, ऐसा क्लियर, ठीक है। इसको एक बार देख लो अच्छे से, नेक्स्ट पॉइंट मूव करें अभी, यस सर, नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है दिस, ये सब मॉडुलस के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चल रहे हैं ना, नेक्स्ट पॉइंट है दिस, मॉडुलस ऑफ z - z1 + z - z2 = k, वेयर z1, z2 ये है फिक्स्ड और k मूविंग, सॉरी k भी फिक्स है, z मूविंग, फर्स्ट पॉइंट, इफ k इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 - z2, इस स्टेटमेंट को रीड करो, क्या मीनिंग है इसका, z is moving such that इसका z1 से distance और z2 से distance
इनका समेशन है फिक्स, और वो समेशन कितना है? मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2। हाँ मतलब ये डिस्टेंस। देन देयर शुड बी मूविंग ऑन, बताओ। Ellipse? मतलब ये Ellipse. नहीं यार, इलिप्स तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट एक्चुअली। मतलब इलिप्स जैसा ही आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको इलिप्स में ही बताया था। हाइपरबोला। सुन तो सही है, ऐसे थोड़ी अब मैं बोलूंगा कुछ और, तुम क्या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे आ जाओगे, फिर पैराबोला पे आ जाओगे क्या? इतनी जल्दी कौन चेंज करता है अपनी पार्टी भाई? ठीक है, तो दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस, इनका समेशन है दिस डिस्टेंस। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर टू साइड का समेशन शुड बी ग्रेटर देन अभी ऐसा सोच के बताओ, ये और ये इनका समेशन इसके इक्वल, तो क्या पॉसिबिलिटी है? लाइन वो उस लाइन जॉइनिंग जेड वन एंड जेड वन जेड जेड, हाँ वो इधर पे मूव करेगा। चला this plus this is equal to this, yes or no? Yes, yes sir. ठीक है, तो z will be moving on, line segment z1 z2, clear? Okay. Second point. If k greater than modulus of z1 minus z2, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इनका समेशन greater than this distance, तो 100% बनेगा एक ट्राइंगल। और उस पॉइंट को मूव करते हो तो फिर क्या बनता है? एक इलिप्स। 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 हाँ, बिल्कुल। यहां पे z1 z minus z1 प्लस जेड माइनस जेड टू, इन दोनों डिस्टेंसेस का समेशन इक्वल्स टू लेंथ ऑफ 2a मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस एंड डिस्टेंस बिटवीन जेड वन माइनस जेड टू, दिस इज 2a 2a। देखो होता क्या ना, एलिप्स के अंदर सेंट्रिसिटी होता है लेस देन 1, यानी दिस वैल्यू शुड बी लेस देन 2a, यस और नो? तो वहां पे बनता है एक ट्राइंगल, और फिर आप इस वर्टेक्स को मूव करते हो ना, तो ये बनता है एलिप्स। ठीक है, इसी ध्यान रखना, z1 z2 will be focus. Next, if k less than modulus of z1 minus z2, देखो इक्वल है तो लाइन सेगमेंट, ग्रेटर है तो इलिप्स, लेस देन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टू साइड का समेशन थर्ड साइड से कभी कम नहीं आता है। इक्वल आ सकता है लाइन सेगमेंट के इसमें, ग्रेटर आता है ट्रायंगल के केस में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी इजी सा पॉइंट है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, समझने का ट्राई करो। तो ये सिचुएशन नॉट पॉसिबल, क्लियर? ठीक है, इसको देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट में मूव करते हैं, कंक्लूजन क्वेश्चंस फिर एक साथ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दिस, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड वन माइनस मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू के। ठीक है, अभी z का z1 से डिस्टेंस और z का z2 से डिस्टेंस, इनका डिफरेंस फिक्स है। अगेन z1 z2 ये फिक्स कोऑर्डिनेट्स हैं। z मूविंग, फर्स्ट पॉइंट, इफ k इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z,
इसका मीनिंग ये हो गया कि सपोज करो यहाँ पे है z1, इधर कहीं पे है z2, लेट्स से यहाँ पे है z, तो दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस इनका डिफरेंस दिस के इक्वल होना चाहिए। तो क्या लगता है z कहाँ पे मूव करेगा? वो यहाँ पे पॉइंट है कोई भी, ठीक है, तो दिस लेट से टू, दिस लेट से सेवन, ये अपने आप से कितना आ गया बोलो? फाइव। ऐसा तो इसको लाइन सेगमेंट नहीं बोलते हैं, इसको आप बोल सकते हो रेज। लेफ्ट साइड ऑफ z1 और राइट साइड ऑफ z2। ठीक, सेकेंड पॉइंट, इफ k इज लेस देन मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2। यानी दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस, इन दोनों का डिफरेंस दिस से कम, तो ट्रायंगल के अंदर टू साइड का समेशन थर्ड साइड से ग्रेटर, बट टू साइड का डिफरेंस थर्ड साइड से स्मॉलर, ठीक है। और डिफरेंस के केस में क्या बनता है? हाइपरबोला। एग्जैक्टली, अगेन z माइनस z1 और z माइनस z2। अच्छा, ये जो बाहर वाला मॉडुलस है ना, ये इसे लगाता है क्योंकि ये वैल्यू आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा। लेट्स से ये माइनस फाइव आ गया, तो माइनस फाइव का मॉडुलस हो गया प्लस फाइव, ठीक है। तो डिफरेंस ये इक्वल होता है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस और मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2, दिस इज 2a, e greater than 1, तो modulus of z1 minus z2 ये बड़ा होता है, ठीक है। और थर्ड, इफ k is greater than modulus of z1 minus z2, तो देखो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिफरेंस आइदर इक्वल होगा या फिर कम होगा। ऐसे समेशन आइदर इक्वल और ग्रेटर, समेशन कम नहीं होता है, डिफरेंस ग्रेटर नहीं होता है कभी भी, नॉट पॉसिबल। क्लियर यार? इनमें बहुत क्लासिक क्वेश्चंस बनते हैं और लिटरली मतलब जब आप उनको आइडेंटिफाई करते हो समझते हो उन क्वेश्चंस को कि अच्छा इसमें तो ये कंसेप्ट लग रहा है, क्योंकि प्री डिफाइंड चीजें नहीं होती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है फिर उस टाइम पे। शिव के साथ क्या डाउट है? डिस्टेंस और z का z2 के z2 से डिस्टेंस, उन दोनों का डिफरेंस समेशन, हाँ, उन दोनों का समेशन k के इक्वल, अगर k मतलब उन z1 z2 होगा देन दैट पॉइंट विल बी मूविंग ऑन दैट लाइन सेगमेंट, z1 और z2 को जो ज्वाइन करता है वो। बिल्कुल, अगर k ग्रेट k will be greater than z1 plus z, z1 minus z2, then
मतलब वो ट्रायंगल फॉर्म करेगा क्योंकि ट्रायंगल में दो साइड्स का समेशन थर्ड साइड से ज्यादा होता है, इसलिए दैट पॉइंट विल बी मूविंग ऑन इलिप्स। इलिप्स बिल्कुल। और मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड वन प्लस जेड माइनस जेड, मतलब दिस डिस्टेंस। अरे यार आप समझ रहे हो ना, जेड माइनस जेड वन मतलब ये डिस्टेंस है, ठीक है, दोनों का समेशन 2a एंड मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू 2a, जेड वन जेड टू फोकस, डिस्टेंस का समेशन लेस, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक। विश्वराज हाँ, नेक्स्ट कंसेप्ट तुम एक्सप्लेन करो, थोड़ा फास्ट कर दो यार। Z1 से डिफरेंस और Z2 से डिफरेंस, Z1 से डिफरेंस और Z2 से डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस। हाँ अरे Z1 से डिस्टेंस और Z2 से डिस्टेंस, डिस्टेंसेस का डिफरेंस। हाँ डिस्टेंसेस का डिफरेंस वो Z1 के लेफ्ट साइड और Z2 के राइट साइड और इसके अंदर क्या डिफरेंस है, डिफरेंस है लेट्स से k, इफ k इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2, मतलब डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में जितना डिस्टेंस आ रहा ना उसके इक्वल ही है, तो आइदर लेफ्ट साइड ऑफ Z1 या फिर राइट साइड ऑफ Z2, और लेट्स से डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है वो इन दोनों से है कम, तो डेफिनेटली एक ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर टू साइड का डिफरेंस शुड बी लेस देन थर्ड साइड ऐसा, और डिफरेंस के केस में वो पॉइंट मूव करता है कहां पे, हाइपरबोला पे, समेशन के केस में मूव करता है एलिप्स पे। मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 ये हो गए इनके फोकस, डिस्टेंस बिटवीन फोकस होता है 2a, और ये हाइपरबोला में प्रूव किया था, मतलब हाइपरबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट है तो इनका दोनों फोकस से डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस होता है वो फिक्स होता है, और वो होता है लेंथ ऑफ ऐसा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, इसके क्वेश्चंस यार काफी इंटरेस्टिंग होते हैं ना और काफी इंपॉर्टेंट भी है। वैसे एक मीम बन सकता है नहीं, कि जैसे अभी क्लास लेक्चर कंप्लीट हुआ फिर आप घर पे हो, फिर घर पे या फिर घर पे गए या फिर अभी घर पे हो, जैसे मॉम ने पूछा कि बेटे क्या पढ़ा आज, कुछ तो लोकस जैसा पढ़ रहे थे और सबको काफी इंटरेस्टिंग लगता है वो, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सर को इंटरेस्टिंग लगता है, वो है एक्चुअली, और इम्पोर्टेंट का मतलब ये नहीं कि मेरे को इम्पोर्टेंट लगता है, आते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस, ठीक है, रिपीट होते हैं इसके ऊपर, इसलिए इम्पोर्टेंट है। दिस पॉइंट 3,4 एंड दिस पॉइंट -3,4 लेट से ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, तो पी ए प्लस पी बी कितना गिवन है आपको यहाँ पे 12, और डिस्टेंस ए बी कितना आ रहा है 10, तो पी ए प्लस पी बी ग्रेटर देन ए बी, डेफिनेटली एक ट्राइंगल, इन केस ऑफ समेशन ये पॉइंट मूव करता है कहाँ पे, एलिप्स पे, एलिप्स बिल्कुल।
तो इसका लोकस है इलिप्स, डन ठीक है। अच्छा उसका इक्वेशन लिख सकते हो इलिप्स का, खैर अभी ये इन्वर्टेड जैसा कुछ आ रहा होगा, बाकी उसको स्किप करते हैं ना, इक्वेशन स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये हो गया एलिप्स विद फोकस 3.4 एंड -3.4 लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a कितना 12 और डिस्टेंस बिटवीन फोकस ए एंड बी 2a दिस इज, यहां से आप फाइंड कर सकते हो e, a already given है, b square भी find कर सकते हैं, e square is equal to 1 minus b square upon a square. Next example करते हैं। ये question try करो। आंसर आ गया होगा आई थिंक, है ना। तो यहाँ पे दिस पॉइंट इज 0.0, दिस पॉइंट इज 6.-8, पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू 8 और डिस्टेंस ए बी कितना आ रहा है बोलो 10 तो डिफरेंसेस का सॉरी डिस्टेंसेस का डिफरेंस फिक्स है और वो डिफरेंस यहां से कम है, यानी डेफिनेटली ट्रायंगल, और इन केस ऑफ डिफरेंस वो पॉइंट मूव करता है कहां पे बोलो हाइपरबोला एग्जैक्टली ठीक है ओके तो इसके अंदर जो डिफरेंस है वो है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a इज इक्वल टू 8 और 2a इज 10 बाकी आप ये भी यूज कर सकते हो e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस Thank you.
अर्चना क्या आंसर है बोलो. नो लोकस क्यों? क्योंकि वो डिफरेंस ग्रेट ज्यादा है ना ए बी से. बेटा ये पॉइंट है 4.0 एंड दिस पॉइंट 0.-4 ये माइनस पी बी दिस गिवन है 4√2 और डिस्टेंस ए बी कितना आ रहा है 4√2 हाँ तो ज्यादा काम पर है तो सेम आ गया ना रे आएगा रे. इसका पॉइंट P will be moving on either left side of A या फिर right side of B. B. बिल्कुल. इसका equation भी find कर सकते हो A और B को use करके 2-point form से. Next question करते हैं. Given z is not equal to 0, modulus of z minus 3 iota is equal to 3. Find x upon y minus ka 6 upon z, where z is x plus iota y. This question. सिंगेज में एटलीस्ट 40 सॉल्व एग्जांपल आप कंप्लीट कर सकते हो अभी. अभी इसका एक्सरसाइज सॉल्व करना है जस्ट सॉल्व एग्जांपल्स. मतलब एक बार सॉल्व करके चेक कर लेना उन लोगों ने कोई मिस्टेक तो नहीं किया है बुक में ऐसा. Question complete. इसमें graphical representation का use नहीं होने वाला है. graphical representation का use कुछ भी नहीं होने वाला है इसके अंदर. जो question है आपको वो find करना है बस.
आंसर देखो एक पॉइंट समझने का ट्राई करो. अभी जो क्वेश्चन है ना ये एक्स और वाई के फॉर्मेट में है तो इस इंफॉर्मेशन को भी एक्स और वाई के फॉर्मेट में चेंज करो. दिस विल बी लाइक दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू थ्री. यस और नो? यस सर. यस सर. हाँ तो ये हो गया. अभी है दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई नाइन और नाइन कैंसिल इज इक्वल टू जीरो. ठीक है यहाँ पे एक्स प्लस आयोटा वाई इस वाले पार्ट को रेशनलाइज कर दो तो ये आपका एक्सप्रेशन कंप्लीटली एक्स और वाई के फॉर्म में है और गिवन इन्फॉर्मेशन भी अभी एक्स और वाई के फॉर्म में ही है. अभी इस इन्फॉर्मेशन को यूज करने का ट्राई करो. फाइनल आंसर विल बी 1 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा आयोटा 1 2 3 ऐसा. सर आयोटा आ गया आंसर. करेक्ट है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैन बी रिटन एज सिक्स वाई. यस सर आयोटा. सिक्स वगैरह सब कैंसिल और ये भी एक्स माइनस आयोटा वाई अपॉन वाई वाई एलसीएम एंड न्यूमरेटर इज एक्स माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई. एक्स और एक्स कैंसिल वाई वाई कैंसिल. फाइनल आंसर इज जस्ट आयोटा. क्लियर? यानी कि 0.1. चलो एक क्वेश्चन और करते हैं बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस. इफ मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 देन फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट PW moving such that W is equal to 2z plus 1 upon z minus 1. ये question. स्टैंडर्ड मेथड क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? स्टैंडर्ड मेथड ये z अज्यूम करोगे x plus iota y. रुको भी सॉल्व मत करो एक मिनट रुको. z is equal to x plus iota y उसको यहाँ पे पुट करोगे और x square plus y square is equal to 1 इस इनफॉरमेशन को यूज करने का ट्राई करोगे. ठीक है w को पुट करोगे h plus iota के रियल रियल के इक्वल इमेजनरी इमेजनरी के इक्वल और फिर कुछ तो वेरिएबल एलिमिनेट करने का ट्राई करोगे. बाकी इतना सब नहीं करना है आपको. एक पॉइंट समझने का ट्राई करो. अभी क्या है जैसे W is like Z, बस Z के प्लेस पे वो W है. आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है mod Z is equal to 1 तो तुम एक काम करो इस एक्सप्रेशन में Z फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ W. करो एक बार स्टार्ट तो करो. फाइंड Z इन टर्म्स ऑफ W. कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह ऐसा. तो
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये आ गया डब्ल्यू जेड माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू टू जेड प्लस वन, और ये हो गया है अभी w प्लस वन, ये हो गया z और ये हो गया w माइनस का टू, यही आ रहा है ना? यस सर, यस सर, हाँ, यानी कि z इज इक्वल टू w प्लस वन अपॉन w माइनस टू, और अभी मॉडुलस ऑफ z गिवन है वन, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, यानी मॉडुलस ऑफ w प्लस वन अपॉन w माइनस टू इज इक्वल टू वन, आंसर आ गया आपका भी, w कहाँ पे मूव करेगा बोलो, नेक्स्ट स्टेप मॉडुलस ऑफ w प्लस वन इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ w माइनस वन, w माइनस टू सॉरी, हाँ, यानी कि w का डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट माइनस वन कॉमा जीरो एंड दिस पॉइंट सर्कल करेक्ट है, बट अभी तो है वन टाइम, यानी कि इक्वल, तो डेफिनेटली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिड पॉइंट 1/2, 0 इसका इक्वेशन लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस विच कोऑर्डिनेट कांस्टेंट एक्स इज इक्वल टू हाफ, और वी कैन से रियल पार्ट ऑफ w ऑलवेज 1/2 वन ऑफ करेक्ट, ओके okay, चलो जितना ही करते हैं बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं, होमवर्क ये है कि शिंगेज के 40 क्वेश्चंस सॉल्व एग्जाम फ्रॉम स्टार्ट, एक्सरसाइज पर भी मत मूव करना, जस्ट अ सॉल्व एग्जाम, ठीक है? चलो शीट में भी कोई होमवर्क नहीं है, शीट में एक्चुअली थोड़ा पोर्शन और कवर करते हैं फिर उसमें होमवर्क आपको देंगे, बाकी जो ऑलरेडी गिवन है वो कंप्लीट कर, ठीक है? इस संडे टेस्ट नहीं है कोई भी, तो पार्टी कर सकते हो या फिर कुछ और कर सकते हो, ठीक है? चलो बाकी जो शीट आपको दिया था वो सॉल्व करके रखना है ना कॉनिक सेक्शन का, चलो ओके फिर भाई, मिलते हैं, कोई और डाउट है तो मिल बताना, ओके।